পৌরসভার 52 নম্বর ওয়ার্ড আর 5টা ওয়ার্ডের থেকে আয়তনে ছোট। ধর্মতলা সংলগ্ন এই ওয়ার্ডে রয়েছে মিশ্র সংস্কৃতি। একদিকে রয়েছে যানবাজার, নিউ মার্কেটের একাধিক অংশ, অন্যদিকে মার্কুই স্ট্রিট, রফিক আহমেদ কিদাই রোড, লেলিন সরণী ও মির্জা গালিব স্ট্রিট। এই ওয়ার্ডের প্রাক্তন পৌরপিতা সন্দীপন সাহা। এই ওয়ার্ডটি জেনারেল ওয়ার্ড হিসেবে ঘোষিত হয় 2015 সালে। এর আগে এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন এন্টালির বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহা। 2005 সালে এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হন স্বর্ণকমল সাহার স্ত্রী সুনিতা সাহা। বর্তমানে এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হন স্বর্ণকমল সাহার পুত্র সন্দীপন সাহা। এলাকার মানুষের কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে রয়েছে একাধিক অভিযোগ। তাদের অভিযোগ, রাস্তায় জল জমে, নিম্নমানের পানীয় জল, রাস্তার বেহাল অবস্থা, রাস্তায় আলো নেই, রাস্তা নিয়মিত পরিষ্কার হয় না, এলাকায় পুরসভার ডাস্টবিন নেই, বস্তি উন্নয়ন হয়নি। এলাকাবাসীদের আরও অভিযোগ, রাস্তায় নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল, বাড়ির ভেতরের নালা নর্দমা জল ঢুকে পড়ছে, বাড়ির ভেতর জল জমে রয়েছে, বৃষ্টি হলে রাস্তা থাকে জলের তলায়। এর ফলে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে এলাকাবাসীর জীবনযাপন। কাউন্সিলরকে জানানোর পরেও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বিরোধী দল জানান, বিগত কয়েক বছর কোনো উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়নি। এবারে এই ওয়ার্ডের বিজেপির প্রার্থী হিসেবে টিকিট পেয়েছেন কামিনী সন্তানী খটিক। তিনি জানান, এলাকার মানুষের সমর্থন রয়েছে, মানুষ এই ওয়ার্ডটির পরিবর্তন চায়। সকাল থেকেই জনসংযোগে দেখা গেল 70 টিকিট পাওয়া এই প্রার্থীকে। देखिए अभी ऐसे भी वोट 52 में जो कैंडिडेट आए हैं वो नए हैं, वो बात सही, लेकिन वो बाहरी हैं, वो वोट 53 के रहने वाले हैं और वोट 52 में आके उनको टिकट मिला है। क्या पहला सवाल तो यही है, क्या तृणमूल के पास 52 में कोई आदमी ही नहीं था जो उनको टिकट मिल सके? और दूसरी बात कि तृणमूल में 37 ईयर्स से ऑलरेडी उन लोगों ने अपना परिवार से उन लोगों को हमेशा MLA और काउंसलर का टिकट्स मिला हुआ है। तो हमको यही जानना है, यही सवाल है मेरा उन लोगों से कि उन लोगों ने इतने सालों से किया क्या? आप लोग खुद ग्राउंड लेवल में, ग्रास रूट में आप लोग खुद जाके एक बार चेक कीजिए कि क्या उन लोगों ने कैसा काम किया है, क्या काम किया, एक बार आप लोग उनको प्लीज़ देखिए। क्योंकि हम तो जितना प्रचार किए, हम हमेशा एक एक घर गए और एक एक आदमी का प्रॉब्लम सुने। तो प्लीज़ आप लोग भी एक बार जाके आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, एक बार आप लोग सर्च कीजिए कि क्या चल रहा है वहाँ पर। पहला प्रॉब्लम है वहाँ पे हेल्थ का, मलेरिया और डेंगू आज के डेट में वार्ड 52 में जैसे घर हो गया है। और वहाँ पे ना कोई दवाई का कोई है, ना वो लोग ब्लीचिंग पाउडर्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ गंदगी है, पूरा पाइपलाइन फटा हुआ है, पूरा पानी जाम हुआ हुआ है, पूरा ड्रेनेज जाम है, बकायदा दिख रहा है कि पूरा मच्छर उड़ते हुए पूरा दिख रहा है वहाँ पे, इतना गंदगी है। आप एक बार जाके देखिए, पूरा वार्ड ही, हर एक घर आप जाके देख सकते हैं, घर के नीचे पूरा पानी जमा हुआ है, पाइपलाइन जितना भी आप घर में जाइएगा देखिएगा पाइप सब फटा हुआ है। एक बार आप लोग, इसीलिए तो बोले कि एक बार आप लोग देखिए। हमको समर्थन तो बहुत अच्छा मिला इस बार हमको सबका आशीर्वाद मिला है, बड़े बुजुर्ग हमको बार बार आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे छोटे प्यार दे रहे हैं, स्नेह कर रहे अपना, और चाह रहे कि हम उनके आगे आके एक बार उनका साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन लोगों का काम करें। हमसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये बोलना चाहेंगे कि वो काउंसलर थे ही नहीं, वो तो लग रहे जैसे प्रमोटर थे, वो लोग सिर्फ घर बनाने का काम ही कर रहे थे और कुछ भी नहीं किए। और जो गरीब हैं, उन लोगों का जो बहुत प्रॉब्लम में है, उन लोगों को नॉर्मल आदमी है, उन लोगों से जाके उन लोगों की प्रॉब्लम्स एक बार आप लोग सुनिए। वो लोग कोई काम नहीं किए, कहीं कोई काम नहीं हुआ है, बांस गाड़ के अभी भी देखिएगा तो ऐसे घर पूरा लटक रहा है और उस पर खाली ऐसे बांस लगा के उन लोग खाली ऐसा सपोर्ट करके रखे हुए हैं, अब भी कभी भी वो गिर सकता है। भगवान आने से सब बोलते हैं कि कैलकटा टेक्निकल स्कूल में जाके हम लोग शरण लेते हैं और बड़ा बड़ा जहाँ बरंडा रहता है उसके नीचे जाके खड़े होकर उन लोग ये करते हैं। ये हम लोग हमेशा हम
तो बीजेपी ही है, बीजेपी ही जीतेगा, ये ऑब्वियस बात है, क्योंकि 102% बिकॉज हम लोग देखिए 37 इयर्स से टीएमसी क्या काम किया है, आदमी लोग वो भी जानते हैं, पब्लिक भी चेंज चाहता है, पब्लिक चाहता है कि कोई और आए जो मेरा यहाँ काम करे, जो मेरे साथ रह के मेरा काम करे, आदमी लोग मुझे जाके देख रहे हैं, लेकिन कोई साथ कोई खड़ा नहीं होता है, खाली वोट मांगने के टाइम दिखते, नहीं तो दिखते भी नहीं है, ये पब्लिक का खुद का कमेंट्स है। आप लोगों की बेटी हूँ, आप लोगों के साथ हमेशा, आप देखिएगा, आप लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। एक बार आशीर्वाद चाहती हूँ आप लोगों का, बस आपकी बेटी हूँ, इसी वार्ड के बेटी हूँ, इसी वार्ड की बहू हूँ, एक बार आशीर्वाद दीजिए और बस विजयी बना।